देश भर ले आए हुए जम्मो हमर पहुना मल्ला राम राम जय जोहार। आईआरसी के इस 83वें अधिवेशन में हम सबका गौरव मान सम्मान बढ़ाने के लिए पधारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय अधिकारीगण, आईआरसी के सभी पदाधिकारीगण, देश भर से आए हुए आईआरसी के समस्त पदाधिकारी, काउंसिल मेंबर, देश भर से आमंत्रित अभियंतागण, प्रदेश के समस्त अभियंताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मीडिया के सभी साथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने हम सबका आग्रह स्वीकार किया और अपने अत्यंत व्यस्तता समय में से समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। ये हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस अलग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की। ये हमारा छत्तीसगढ़ अब 24 वर्षों का हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को प्रकृति की असीम कृपा है, जहां बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए, बड़े बड़े संत महात्माओं की ये तपोस्थली और कर्मस्थली रही है। हर काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको मिलेगा। प्रकृति की असीम कृपा छत्तीसगढ़ पर है, जहां बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जंगल और कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार इस छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है और अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में प्रगति किया है, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है और 7 राज्यों की सीमाओं से घिरा होने के कारण आज छत्तीसगढ़ में यातायात के साधन की बहुत आवश्यकता है। लगातार माननीय नितिन गडकरी जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को हमेशा मिला है और जब भी आए हैं छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने सौगातें हमेशा दी है और उनके आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछ रहा है, तेज गति से आवागमन के साधन बन रहे हैं और छत्तीसगढ़ विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की भी प्रभावी भूमिका आने वाले समय में होने वाली है। क्योंकि तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और आगे जाना है। छत्तीसगढ़, जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, खनिज के अकूत भंडार छत्तीसगढ़ में है और इसलिए यातायात की जितनी सुविधा होगी, जितना सुगम होगा, हम देश के विकास में उतना ही ज्यादा योगदान दे पाएंगे। मैं तो आज आप सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। हमारा ये सौभाग्य है
कि आप इतनी बड़ी संख्या में देश भर से आए हैं, आने वाले समय में देश में किस प्रकार की सड़कें बने, किस प्रकार का इनोवेशन हो, सड़क दुर्घटनाओं में किस प्रकार से कमी की जा सकती है, इन सब की चर्चा आप करने वाले हैं। सौभाग्य है कि ऐसे ही इनोवेशन करने के लिए हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी जाने जाते हैं, लगातार नए नए इनोवेशन करते हैं और देश की तरक्की और प्रगति के लिए लगातार वे योगदान कर रहे हैं। और आज ये जो IRC का 83वां अधिवेशन है, निश्चित रूप से माननीय नितिन गडकरी जी के आगमन से ये ऐतिहासिक होने वाला है। आने वाले समय में देश में नए वातावरण के साथ हम सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कर पाएंगे। मैं आपको एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज मैं छत्तीसगढ़ के लिए केवल इतना आग्रह करूंगा, हमने जितना मांगा है आपने उतना दिया है। मैं तो आज ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आज छत्तीसगढ़ आए हैं तो कितना बड़ा सौगात आप देकर जाएंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत अभिनंदन, स्वागत। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।